संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट, अगले 19 दिनों में झारखंड को मिलेंगे 17.5 लाख वैक्सीन। कुछ दिशा निर्देशों के साथ खोला गया जमशेदपुर का जुबली पार्क। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, आने वाली पीढ़ी को सांस्कृतिक और सामाजिक संस्कारों के साथ आगे ले जाना हम सबकी जिम्मेवारी। और देवघर के शुभम कुमार सिंह का आईपीएल के लिए चयन। 17 सितंबर से अबू धाबी में शुरू होने वाले मुकाबलों में मुंबई इंडियंस की ओर से बिखेरेंगे गेंदबाजी का जलवा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है, मैं हूं दिव्या। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व युवा कौशल दिवस और कौशल भारत अभियान की 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश के युवाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी का कौशल विकास राष्ट्रीय जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं की स्किलिंग और अपस्किलिंग अनवरत जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के जरिए देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास जारी है। इस वैश्विक महामारी की चुनौतियों ने वर्ल्ड यूथ स्किल डे की अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि हम इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं। 21वीं सदी में पैदा हुए आज के युवा भारत की विकास यात्रा को आजादी के 100 वर्ष तक आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है, आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने करीब 15 अरब 83 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 100 बिस्तर का मातृ और शिशु स्वास्थ्य विंग, गोधुलिया में मल्टी लेवल पार्किंग, गंगा नदी पर पर्यटन विकास के लिए नौका सेवा और वाराणसी डैस गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन वाला फ्लाईओवर समेत कई परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में एक जनसभा को भी संबोधित किया। चाहेंगे इस कार्यक्रम के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी रुद्राक्ष जाएंगे और वहां विधि भी हो रहा है, वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, वो थकती नहीं है। बहनों और भाइयों,
बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। आज बीएचयू में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का भी लोकार्पण किया गया है। इस संस्थान में लोगों को आंखों से जुड़ी बीमारियों का आधुनिक इलाज मिल पाएगा। भाइयों और बहनों, बीते 7 सालों में काशी अपनी मौलिक पहचान बनाए रखते हुए भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। पूरे क्षेत्र में, चाहे वो नेशनल हाईवे का काम हो, फ्लाईओवर हो, या रेलवे ओवरब्रिज हो, या चाहे तारों का जंजाल दूर करने के लिए पुरानी काशी में अंडरग्राउंड वायरिंग का सिस्टम हो, पेयजल और सीवर की समस्याओं का निदान हो, पर्यटन को बढ़ाने के लिए विकास कार्य हो, सभी में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। इस समय भी इस क्षेत्र में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। नए प्रोजेक्ट, नए संस्थान काशी की विकास गाथा को और जीवंत बना रहे हैं। साथियों, काशी की, मां गंगा की स्वच्छता और सुंदरता हम सभी की आकांक्षा भी है और प्राथमिकता भी है। इसके लिए सड़क हो, सीवेज ट्रीटमेंट हो, पार्कों और घाटों का सुंदरीकरण हो, ऐसे हर मोर्चे पर काम हो रहा है। देशभर में कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही भारी पड़ सकती है। कोविड के खिलाफ जंग में देश को भले ही सफलता मिल रही हो और दूसरी लहर की रफ्तार कमजोर पड़ रही हो, लेकिन लोगों की ओर से आ रही लापरवाही की खबरें फिर से चिंता बढ़ा रही हैं। खासतौर पर बाजारों और पर्यटन स्थलों की भीड़ की तस्वीरें किसी नए खतरे की आहट दे रही है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर कोरोना की रोकथाम के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने कहा है कि वो जिले और अन्य स्थानीय अधिकारियों को भीड़भाड़ वाले स्थानों को नियंत्रित करने और कोरोना प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी करें। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड 19 के 41,806 नए मामले सामने आए हैं। दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में लगातार कई दिनों से करीब 40,000 मामले आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 41,806 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 39,130 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। देश भर में अब तक 3,01,43,850 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.28% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 4,32,041 हुई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.21% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.15% है, जो कि लगातार 24 दिन से 3% से कम बना हुआ है। इधर झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 98.42% हो गई है। राज्य में अब तक कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 3,41,015 हो गई है। अब केवल 344 मरीज उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों में 71 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 68 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। अब तक 39,13,00,000 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। और भारत कोविड के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में 39,13,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 34,97,000 से अधिक टीके लगाए गए। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इधर झारखंड में टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 90,000 से ज्यादा लाभार्थियों को कोविड के टीके लगाए गए। राज्य में अब तक 78,77,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इस बीच राज्य को केंद्र की ओर से अगले 19 दिनों में 17,50,000 वैक्सीन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस सिलसिले में 4 अगस्त तक का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जमशेदपुर का जुबली पार्क कुछ शर्तों के साथ खोल दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार के कारण पिछले कुछ समय से इस पार्क को बंद कर दिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की पहल पर इसे फिर से खोला गया है। श्री गुप्ता ने कहा कि जमशेदपुर शहर को देश का सर्वश्रेष्ठ शहर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जुस्को के सहयोग से जुबली पार्क में ओपन जिम, योग शिविर, साइकिलिंग और स्केटिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पार्क मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए खोला गया है और इसमें प्रवेश के लिए परिचय पत्र जरूरी होगा। पार्क खोले जाने पर मॉर्निंग वॉकर्स क्लब ने स्वास्थ्य मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। नाम बोलते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत प्रदान की है। इनके महंगाई भत्ते को बहाल कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता और राहत बहाल करने का फैसला किया है। साथ ही वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने और पशुपालन और जहाजरानी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने जैसे कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता न केवल बहाल कर दिया गया है, बल्कि इसे 17 से बढ़ाकर अब 28% करने को मंजूरी दी गई है। बढ़ा हुआ डीए
1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। कोरोना की पहली लहर आने के बाद सरकार ने कर्मचारियों के 1 जनवरी 2020 से बढ़े हुए डीए को फ्रीज करने का फैसला किया था, साथ ही अगले 2 छमाही में भी इसे स्थगित रखा गया था। अब इन तीनों छमाही यानी 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के लिए 11% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। देश भर में करीब 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनरों को इस बढ़े हुए डीए का फायदा होगा। सरकार पर इससे 34,000 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आने वाली पीढ़ी को सांस्कृतिक और सामाजिक संस्कारों के साथ आगे ले जाना हम सबकी जिम्मेदारी है। वे राजधानी रांची में धुमकुड़िया भवन की आधारशिला रखते हुए उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धुमकुड़िया भवन का निर्माण कार्य 12 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। और मुझे लगता है सरकार के द्वारा ये एक अनूठा और एक ऐतिहासिक क्षण है कि आज सरकार के द्वारा धुमकुड़िया सामुदायिक भवन का निर्माण सरना स्थल के परिसर में किया जाना है। शेष समाचार इस विराम के बाद। आज जो माहौल है, चार बातें खासकर इसमें ध्यान देने की जरूरत है। पहला ये कि हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों का सैनिटाइज करें, 2 गज की डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो वैक्सीनेशन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर जो झारखंडी है वो अपने आप को वैक्सीन जल्द से जल्द लेकर के अपना टर्म्स आते साथ उसको करें। और यही एक तरीका है जो हम पूरे झारखंड को कोविड के जो है उससे हम पार लग सकेंगे और उससे सक्सीड कर सकेंगे। कोरोना पूरा देश दुनिया में चलल है, इकर से बाचेक चाहिए। सरकार जो 2 गो टीका निकलाए है, वो टीका का नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ये दोनों टीका तो ले चाहिए, संगे संगे मास्क पहनने चाहिए और 2 गज कर दूरी बनाए के रह चाहिए और घर से बाहर बेकाम कर बगरा नहीं जाए चाहिए। यही हमर रूरल से निवेदन है। खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। गुमला जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है। जिले के कुड़ूमर थाना क्षेत्र के केरागनी मरवा जंगल में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 15 लाख रुपए के इनामी नक्सली बुद्धेश्वर उरांव को मार गिराया। घटनास्थल से पुलिस ने एक AK-47 राइफल भी बरामद की है। मुठभेड़ के बाद क्षेत्र में सर्च अभियान जारी है। लोहरदगा जिले में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो ने कृषि और पशुपालन को व्यावसायिक रूप देने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक कृषि और पशुपालन अपनाकर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। कोडरमा जिले के सतगामा प्रखंड कार्यालय में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी बैजनाथ उराव ने कई ग्राम पंचायतों के लाभुकों के बीच विभिन्न पेंशन योजनाओं से संबंधित स्वीकृति पत्र का वितरण किया। केंद्र सरकार से मिलने वाली मदद और किसानों की मेहनत के बल पर रांची सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी जिलों में शामिल है। रांची में कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाई है।
रांची जिले के कांके के बालचंद उरांव ने मेहनत के बल पर इलाके में एक सफल सब्जी उत्पादक किसान के रूप में अपनी पहचान बनाई। लगभग 7 एकड़ भूमि पर बालचंद उरांव मुख्य फसल धान के साथ भरपूर मात्रा में सालों भर सब्जी का उत्पादन करते हैं। इनके खेत टमाटर बैगन और अन्य सब्जियों से हरे भरे रहते हैं। ये सब्जी का जो खेती करते हैं इसमें बार बार पैसा आता है, बीच में परिवार चलाने के लिए हम लोग को किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होती है। लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में भी बालचंद उरांव ने सब्जी उत्पादन और बिक्री करके अच्छी कमाई की है। कोरोना काल में बालचंद उरांव ने कृषि कार्य में कई लोगों को रोजगार देकर उन्हें भी जीने का सहारा दिया है। करने से यह हुआ कि लॉकडाउन का प्रभाव हम लोग को नहीं पड़ा, बेचने में थोड़ा कठिनाई हुआ परंतु लॉकडाउन में और नौकरी या किसी तरह का कहीं भी काम करने वाले को प्रभाव पड़ा क्योंकि काम बंद था, इसमें तो मेरा काम चल रहा था लॉकडाउन में ही हुआ और अच्छा फायदा हुआ। कृषि के क्षेत्र में हो रहे नित नए बदलाव और सकारात्मक परिणाम को देखते हुए युवाओं का भी रुझान बढ़ता जा रहा है। पढ़ाई लिखाई पूरी कर चुके मोहम्मद मुतलिब अंसारी कृषि कार्य को बेहतर मानते हुए इससे जुड़ गए हैं। फंस गया और बहुत आदमी को बहुत परेशानी हुआ, लेकिन हम लोग गांव देहात में रह के और एक किसान का घर में मतलब पैदा हुए हैं, किसानी का काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। आज हम लोग यहाँ बैंगन लगाए हुए हैं, उधर सामने में टमाटर लगा हुआ है, अब जो है ना तो इसके वजह से हम लोग को कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ। अपना घर में मतलब खाने पीने के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अपना नाम बता दीजिएगा भैया। मेरा नाम एमडी मुतलिब अंसारी हुआ। कृषि क्षेत्र में आई नई तकनीक और समय समय पर चलाए जा रहे किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ने खेती बाड़ी को काफी आसान बना दिया है। इन्हीं वजह से युवाओं का रुझान भी कृषि कार्य की ओर बढ़ा रहा है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। आबूधाबी में 17 सितंबर से आयोजित होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग में देवघर जिले के शुभम कुमार सिंह मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते नजर आएंगे। कल वे मुंबई इंडियंस कैंप के लिए देवघर से रवाना होंगे और करीब एक महीने तक अभ्यास सत्र से जुड़ेंगे। देवघर को गांवों का शहर कहा जाता है। गीत संगीत के बाद अब क्रिकेट के क्षेत्र में भी शुभम कुमार सिंह के कारण जिले का नाम देश विदेश में हो रहा है। चीते जैसी फुर्ती तेज रनअप के अलावा आउट स्विंग और इन स्विंग के साथ साथ बाउंसर की तकनीक के जानकार शुभम कुमार सिंह अपनी गेंदबाजी से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यही वजह है कि अब शुभम आईपीएल में खेलते नजर आएंगे। 15 में पहली बार झारखंड स्टेट के लिए खेला था और उधर से स्टेट में लगातार अभी तक कंटिन्यूस 2021 से खेल रहा हूँ और अभी मुंबई इंडियंस के कैंप में था जो आईपीएल स्टार्ट हुआ था जो रुक गया बीच में, और कल मुझे फिर से मुंबई इंडियंस के कैंप में वापस जाना है। वहाँ से मुझे बुलाया गया है और 16 को वहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग है। शुभम के मित्र बताते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार से आने के कारण परिजन चाहते हैं कि शुभम खेल से ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन शुभम की हसरत कुछ और थी और उस हसरत ने अब उड़ान भरनी शुरू कर दी है। खेल के समय में ऐसा लगता था कि लड़का आगे जाएगा, अच्छा करेगा, लेकिन उस समय एक गार्जियन की, हमारे छोटे शहर की जो विशेषताएं हैं, गार्जियन चाहते नहीं बच्चा पढ़ ले कुछ कर ले, लेकिन इसमें जो प्रतिभा दिखता था कि नहीं खेलेगा अच्छा करेगा, तो हम लोग बड़ा भाई होने के नाते सपोर्ट करते गए और आज जो भी देख रहे हैं ये अपने मेहनत के बदौलत हैं। शुभम की सफलता पर उनके कोच के साथ साथ उनके सभी मित्र भी बेहद खुश हैं और वे प्रैक्टिस में शुभम की मदद करते हैं। जलाल पार्क में उनके अभ्यास के मददगार मित्र बताते हैं कि शुभम आज जहां भी है कड़ी मेहनत की बदौलत है। और ये शुरू से डाउन टू अर्थ रहे हैं और मेहनत के प्रति हमेशा से इनका जो लगन था, डेडिकेशन था क्रिकेट के प्रति, वो हमेशा से इनके अंदर दिखता था। शुभम का आईपीएल में चयन होने से देवघर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का मान बढ़ा है। छोटे से शहर से निकलकर आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचना सचमुच शुभम के लिए बड़ी कामयाबी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शुभम आईपीएल में क्या जलवा बिखेरते हैं। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले भारतीय दल के लिए प्रेरक गीत जारी किया है। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने लोगों से एकजुट होकर भारतीय टीम को उत्साहित करने की अपील की। हमने मचाया शोर, सारे सारे अंबर में
टोक्यो में देश के एथलीट जीत के जुनून को अपनी रगों में उतार कर सामने होंगे, तो दूसरी तरफ देशवासी इस गीत को गाकर हर एथलीट का मनोबल बढ़ाएंगे। बुधवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रसिद्ध संगीतकार एआर रहमान और अनन्या बिरला द्वारा टोक्यो ओलंपिक जा रहे एथलीटों के लिए बनाए गए टीम इंडिया चीयर सॉन्ग को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के एथलीटों का हौसला हर दम बढ़ाते रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास हम सब लोग इसको सुनेंगे भी, एंजॉय भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, चीयर फॉर इंडिया। क्योंकि अगर देश के प्रधानमंत्री चीयर फॉर इंडिया कैंपेन लॉन्च करते हैं, अपने कीमती समय में से एक बार नहीं कई बार खिलाड़ियों से बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री अगर खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए कई साल पहले टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम कर निर्माण करते हैं, उसको लाते हैं और खिलाड़ियों को हर सुविधा देने का प्रयास करते हैं, आपका ये गाना ना केवल मनोरंजन देगा बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाएगा। और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएगा, मनोबल बढ़ाएगा, वहीं पर हम सबको मौका देगा चीयर फॉर इंडिया करने के लिए। सो लेट अस ऑल कम टुगेदर एंड चीयर फॉर इंडिया। वहीं टीम इंडिया चीयर सॉन्ग को बनाने वाले संगीतकार एआर रहमान ने कहा कि खिलाड़ियों का प्रदर्शन और खेलों को लेकर उनका जुझारूपन ने उन्हें इस गीत को बनाने में मदद की। When you're going to something like Olympics, it's an international event, and we have to find a balance to present ourselves in a way where the whole world can see us, and the music needed to be like that. I think Ananya has that voice, which could be like the spearheading and cheering. At the same time, there is love, compassion, there is a sense of happiness throughout. इस बीच जापान में भारत के राजदूत संजय कुमार वर्मा ने कहा कि टोक्यो में भारतीय एथलीटों की हौसला अफजाई पूरे चरम पर होगी। नेल्सन मंडेला वंस सेड, स्पोर्ट्स हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, इट हैज द पावर टू इंस्पायर, इट हैज द पावर टू यूनाइट पीपल इन अ वे दैट लिटिल एल्स डज। दिस कोट रिंग्स ट्रू टू आवर कंट्री। वी आर अ नेशन ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय स्पोर्ट्स। As Japan prepares to host the Tokyo 2020 Olympics, we are proud to welcome the largest ever Indian contingent to an Olympics and cheer them to raise the tricolor high in the skies of Japan. Tokyo Olympic ko lekar Bharatiya khiladiyon ne apni taiyari ko har star par mazbooti di hai. Gharelu tournament ho ya fir antarrashtriya star par koi pratiyogita, har star par Bharatiya athleton ne khud ko sabit kiya hai. ऐसे में जरूरत सिर्फ मोराल को बूस्ट अप करने की है, जिसे इस गीत ने बखूबी अंजाम दिया है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल भारत अभियान की छठी वर्षगांठ पर युवाओं को किया संबोधित। वाराणसी को 15 अरब से अधिक की विकास योजनाओं की दी सौगात। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट, अगले 19 दिनों में झारखंड को मिलेंगे 17.5 लाख वैक्सीन। कुछ दिशा निर्देशों के साथ खोला गया जमशेदपुर का जुबली पार्क। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, आने वाली पीढ़ी को सांस्कृतिक और सामाजिक संस्कारों के साथ आगे ले जाना हम सबकी जिम्मेवारी। और देवघर के शुभम कुमार सिंह का आईपीएल के लिए चयन। 17 सितंबर से अबू धाबी में शुरू होने वाले मुकाबलों में मुंबई इंडियंस की ओर से बिखेरेंगे गेंदबाजी का जलवा।